हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल हिंदी मीटिंग में। एंड इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं नोकिया के 65 इंच अल्ट्रा HD 4K LED स्मार्ट एंड्रॉयड TV के बारे में, जो कि आता है ओंक्यो साउंड बार्स के साथ में। तो यहां पे इसमें आपको ओंक्यो का जो है साउंड बार देखने को मिलता है। ओंक्यो एक जापानीज की जो है यहां पे ब्रांड है। ओंक्यो जो इसका नाम है सुनने में ही जापानीज दिखता है, तो जापान का जो है एक ऑडियो सिस्टम वाला जो है यहां पे ब्रांड है। एंड इसमें आपको 60 साउंड मिलता है लो डिस्टॉर्शन के साथ, एंड बैलेंस्ड बेस है, वोकल्स है, एंड जो है सभी सीन जो आप देखते हैं यहाँ पे, आप चाहे मूवी देख रहे हो चाहे वीडियोस देख रहे हो, काफ़ी अच्छी जो है लाउड क्वालिटी आती है इसमें। 60 साउंड भी है एंड जो है क्लैरिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। ऐसे जो स्पीकर का जो बार है नीचे, दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है। एंड तीनों ही तरफ आपको जो है टीवी में बेजल्स काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। जो आउटपुट है साउंड का वो 48 वाट्स का है। इसमें जो है 30 वाट का क्वाट्रो एक्स स्पीकर्स देखने को मिलेंगे एंड 18 वाट्स के ट्विटर्स देखने को मिलेंगे। तो दोनों 30 वाट प्लस 18 वाट्स मिला के 48 वाट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो साउंड पावर है वो काफ़ी जो है दमदार है। 360 डिग्री ऑडियो प्रोजेक्शन है यहाँ पे इन साउंड बार में, एंड आपके रूम में जो है पूरा फिल हो जाएगा साउंड, एंड डायनामिक एंड रिच साउंड सुनाई देगा। पावरफुल जो है लेफ्ट राइट स्टीरियो आउटपुट्स मिलते हैं, हाई क्वालिटी वाले साउंड है यहाँ पे। तो रिप्रोडक्शन जो होती है ऑडियो की काफ़ी अच्छी हो जाती है। माइक्रो डिमिंग की भी टेक्नोलॉजी मिलती है। तो यहाँ पे जो डार्कर शेड्स होते हैं, हाईलाइट्स होते हैं, काफ़ी पिक्सल बाय पिक्सल काफ़ी अच्छी तरीके से जो है एवरी फ्रेम में ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। जो ब्राइटनेस होता है, जो कॉन्ट्रास्ट होता है, काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे आपको डिटेल्स दे देता है। मैक्स ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि HDR10 के साथ आता है। इस डिस्प्ले में आपको 450 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी एंड 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिलता है। लाइफ लाइक डिटेल्स मिलता है एवरी फ्रेम में इस टीवी के। HDR10 का सपोर्ट है, तो काफ़ी अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे इसमें। 1 बिलियन डिफरेंट शेड्स मिलते हैं कलर का, तो काफ़ी जो है कलरफुल यहाँ पे आप पिक्चर क्वालिटी को एंजॉय कर पाएंगे। प्रॉन्टो फोकल AI इंजन है, तो इसमें जो है ये एक AI एल्गोरिदम है जिसकी मदद से जो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि कलर सैचुरेशन हो, शेड्स, हाइलाइट्स वगैरह हो, सभी यहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स होते हैं ऑटोमेटिकली जो है इसी AI एल्गोरिदम की मदद से हो जाते हैं। एंड आप एंजॉय करते हैं हाई क्वालिटी का साउंड एंड वीडियो क्वालिटी भी, तो एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस जो होता है काफ़ी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे स्लीक एंड स्टाइलिश डिज़ाइन देखने को मिलता है इस टीवी में। तीनों ही तरफ आप देखेंगे तो डायमंड कट और बेजल डिज़ाइन देखने को मिलेगी आपको। जो स्पीकर ग्रिल है वो काफ़ी जो है अच्छी दिखती है, एंड यहाँ पे आपको जो है फेदर टच आउटर फैब्रिक देखने को मिलेगा स्पीकर बार पे। तो यहाँ पे पूरा ही नेक्स्ट लेवल का जो है आपको काम देखने को मिलेगा इस टीवी में, जो कि अच्छी डिज़ाइन के साथ आता है, दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है, बेजल भी बहुत कम है। एंड इस टीवी में जो है आपको ब्लूटूथ मिलता है, वो भी जो है 2-way ब्लूटूथ है। तो आप जो है सिंगल टाइम पे इस टीवी में दो जो है यहाँ पे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के ज़रिए। एग्जांपल समझिए, आपने अपने फ़ोन को कनेक्ट कर रखा है ब्लूटूथ से, तो आप जो है अपने स्पीकर्स को भी, जो आपके पास होम थिएटर्स होते हैं ब्लूटूथ वाले, उनको भी इसी टीवी के साथ सेम टाइम पे जो है कनेक्ट करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। एक्सटर्नल स्पीकर्स प्लस जो है कुछ और, जैसे मोबाइल हो गया, आराम से जो है 2-way ब्लूटूथ के ज़रिए एक ही यहाँ पे 1 time पे कनेक्ट करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें जो रिमोट मिलता है उसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है। नीचे जो है नोकिया का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ जो है पावर ऑफ का, ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता है, म्यूट बटन देखने को मिलता है। एंड नीचे की तरफ जो है नेटफ्लिक्स Z5 का यहाँ पे बटन देखने को मिलेगा, गूगल असिस्टेंट का भी बटन देखने को मिलता है, ताकि आप एक ही क्लिक में लॉन्च कर पाए अपने गूगल असिस्टेंट को, नेटफ्लिक्स ऐप को, Z5 ऐप को। एंड यहाँ पे इस टीवी में एंड्रॉयड 9.0 मिलता है, तो एंड्रॉयड बेस्ड आपको जो है यहाँ पे फुल्ली आप ऑपरेटिंग सिस्टम एंजॉय कर पाएंगे। एंड्रॉयड 9.0 मिलता है, तो आपको जो है गूगल प्ले
स्टोर भी इसमें मिलेगा। 5000 ऐप्स जो यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं एंड आप जो है एडवांटेज ले सकते हैं गूगल असिस्टेंट का भी। आप चाहे तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें जो है गूगल असिस्टेंट से आप कर सकते हैं। यहाँ पे Z5 का भी हॉट की आपको देखने को मिलता है इसी टीवी में। तो यहाँ पे आपको जनरल फीचर्स की बात करूँ, जैसे कि आपको बॉक्स कॉन्टेंट क्या मिलता है, तो बॉक्स जो है आप जब खरीदते हैं टीवी को तो बॉक्स में आपको टीवी तो मिलेगा ही, रिमोट कंट्रोल देखने को मिलेगा, मिनी AV केबल है, 2AA बैटरीज देखने को मिलेंगी, दो स्टैंड देखने को मिलेंगे, 4 स्टैंड सपोर्ट स्क्रूज मिलेंगे, वॉल माउंट स्टैंड है एंड वॉल माउंट स्टैंड के स्क्रूज मिलेंगे, यूजर मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखने को मिल जाएगी। इसका जो मॉडल नेम है टीवी का 65TAU HDN है एंड ब्लैक कलर में आता है ये टीवी। 65 इंच का डिस्प्ले साइज है, LED जो है इसका स्क्रीन टाइप है, Ultra HD यानी 4K रेजोल्यूशन है, स्मार्ट टीवी है ये एंड 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, 2.4 GHz वाला जो है वाईफाई टाइप देखने मिलता है एंड ये जो है लेटेस्ट टीवी है। इसमें गूगल असिस्टेंट के साथ साथ आपको क्रोम कास्ट भी बिल्ट इन है मिलता है, गूगल होम है एंड ये टीवी कंपैटिबल है आपके गेम पैड के साथ में भी, तो गेमिंग भी इसमें इजीली कर सकते हैं आप। यहाँ पे हेडफोन जैक भी मिलता है, एनालॉग ऑडियो इनपुट है, 415 Hz की ब्राइटनेस देखने में मिलती है एंड यहाँ पे 178 डिग्रीज का जो विविंग एंगल होता है आपका वो देखने को मिलता है इसी टीवी में। VA पैनल लगा है, जो पैनल टाइप होता है वो VA है इस टीवी में एंड 16:9 एस्पेक्ट रेशियो साथ आता है, 60Hz का जो है रिफ्रेश रेट है इसके डिस्प्ले में एंड जो है यहाँ पे प्रोसेसर CA55 क्वाड कोर वाला प्रोसेसर है, Mali 470 क्वाड कोर का ग्राफिक प्रोसेसर मिलता है, 2GB की रैम मिलती है एंड यहाँ पे 16GB की स्टोरेज मेमोरी मिलती है। हालांकि जो है 16GB तो मिलती है पर आधा तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऑक्यूपाई करके रखता है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, डिजनी प्लस, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो जैसी सभी यहाँ पे एप्लीकेशंस जो OTT प्लेटफॉर्म्स वाली जो आप एप्लीकेशंस एंजॉय करते हैं यहाँ पे सभी सपोर्टेड मिलती हैं। एंड्रॉयड इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पे आप जो है गूगल ऐप स्टोर एक्सेस कर सकते हैं और भी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रीन मिररिंग का भी ऑप्शन है, आप अपने फ़ोन को जो है इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इसी जो है यहाँ पे टीवी के साथ में। ब्लूटूथ भी मिलता है इस टीवी में, तो 2 ways का ब्लूटूथ है जैसा मैंने आपको बताया। Quattro X स्पीकर्स देखने में मिलते हैं, जो Onkyo का साउंड बार है उसमें एंड यहाँ पे जो है Onkyo होम थिएटर सिस्टम मिलता है 6D साउंड के साथ, Dolby ऑडियो भी इसमें एंड यहाँ पे 48W का जो है स्पीकर आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ऑटो पावर ऑफ, स्लीप टाइमर, ऑन ऑफ टाइमर वगैरह देखने को मिल जाएगा। स्मार्ट रिमोट है यहाँ पे एंड आपको जो मैं बताऊँ वेट इसका 20.3 kg का जो है इस टीवी का वेट है। प्राइस की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे 59,999 है इसी 65 इंच वाले वेरिएंट का जो ये नोकिया का टीवी है। नोकिया ने काफ़ी और भी अपने जो है रेंजेस के जो है अपने और रेंज इस टीवी का जो रेंज है वो भी बढ़ाया है, जैसे कि 50 इंच में भी आता है। 50 इंच अगर ख़रीदते हैं आप तो यहाँ पे 33,999 पड़ता है, अगर 32 इंच वाला जो कि सबसे सस्ता है 12,999 है, 55 इंच है यहाँ पे आप 39,999 में देखने को मिलता है, जो 65 इंच का मैं बता रहा हूँ वो 59,999 है। एक 43 इंच का भी वेरियंट है वो आपको जो है HD देखने को मिलता है, फुल HD 4K नहीं है, तो यहाँ पे फुल HD है वो 22,999 है। अगर 43 इंच में आपको 4K चाहिए तो वो आपको 28,999 देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, आपको कैसा लगा ये टीवी मुझे कमेंट्स में बताइए, अपने ओपिनियंस शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए बेल आइकन को। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।